आप सबको मेरा नमस्ते, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बता दो कमेंट करके कि मैं आज हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं। मजाक कर रहा था। देखो, बहुत परेशान थे तुम लोग कि आईबी कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है आप लोगों के सारे कमेंट्स पे और देखा है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी ओपिनियन जहाँ तक है, आईबी कट ऑफ तो देगी नहीं, लेकिन मेरी ओपिनियन जहाँ तक है, तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जाएगी आपकी 65 से 70 के बीच में जाएगी, या 64 से 68 तक आप ले सकते हो। ठीक है, ओबीसी के वही 5 नंबर कम कर लो, आप समझ लो कि 60 to 65 के बीच में रहनी है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी आपकी 55 to 60 के बीच में। एसटी और एससी आप मान के चलिए कि अगर 50+ आ रहा है आपका, तो एसटी और एससी वाले क्वालिफाई कर सकते हैं, और एक्स सर्विस मैन वाले 45+ वाले जो होंगे वो क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में ये कट ऑफ होने वाली है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट कर दीजिएगा, और एक बार फिर से अपना स्कोर देख लीजिएगा ताकि मैं देखूं कि क्या सही अप्रोक्सीमेशन लगा पा रहा हूं कि नहीं मैं। तो सारे लोग कमेंट कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना। और कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ बने रहने की, हो नहीं पा रहा लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो शायद मुझे मोटिवेशन मिले। बाकी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, मैं जल्दी ही करूँगा, यही रहेगी। और टायर 2 की तैयारी जो मैं करा रहा हूँ, सब लोग करते रहो तैयारी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि क्या कट ऑफ जाए, ये तो बस एक अप्रॉक्सीमेशन है। तो टायर 2 की तैयारी करते रहो, और इंटरव्यू के बैच वाले जितने लोग भाई आप मैसेज करते हैं तो मैसेज ही किया करिए, फ़ोन मत किया करिए, क्योंकि मैं हैंडल नहीं करता हूँ उसको। ठीक है, तो जो भी करता वो परेशान हो जाता है। अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हम इंटरव्यू के बारे में अच्छे से सोचेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और अभी मैंने एक डाला है कि एसएससी जीडी में लगभग 1,30,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, सीआरपीएफ की सारी वैकेंसीज होंगी, तो तैयारी करना शुरू करेंगे अभी एसएससी जीडी की हम। और सीजीएल और एमटीएस चल ही रहा है, तो उसके लिए भी एक चीज़ मैं ले आऊँगा, ट्राई कर रहा हूँ। बस आप थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाते रहिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, चलता हूँ, जय हिंद।